स्वागत है आप सभी के अपने फैंटेसी यूट्यूब चैनल फैंटेसी विनर्स में। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान वर्सेस हांगकांग का। दोस्तों जो मैच खेले जाने वाला एशिया कप का 6th T20 है, इसकी हम दोस्तों ग्रैंड लीग की टीम देखने वाले हैं। किसे रखना है किसे नहीं रखना सब कुछ बताऊँगा। इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए तो टेलीग्राम पर यहाँ से जुड़ जाइएगा। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों, अगर मैं मैच की बात करूँ तो 7:30 बजे मैच स्टार्ट हो जाएगा। एशिया कप का दोस्तों यहाँ पर 6th T20 है, ये मैच खेले जाएगा। अगर मैं दोस्तों यहाँ पर वेन्यू की बात करता हूँ, ठीक है, 2 सितंबर को दोस्तों ये मैच होगा, याद रखिएगा। अब मैं वेन्यू की सबसे पहले बात कर लेता हूँ दोस्तों। तो जो लास्ट मैच हुआ था दोस्तों श्रीलंका बांग्लादेश का, वो हुआ था दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर। और यहाँ पर दोस्तों जो मैच होने वाला है ये शारजा क्रिकेट स्टेडियम पर होने वाला है। यहाँ पर एक ही एशिया कप का मैच हुआ है, ज़्यादातर जो मैचेस हुए हैं दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर दोस्तों हुए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा मैच हुआ था, यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूँ दोस्तों, बांग्लादेश वर्सेज अफगानिस्तान का जो मैच हुआ था, यहाँ पर 7 विकेट गिरे थे, उनमें से याद रखिएगा मुजीबुर रहमान ने आपके 3 विकेट लिए थे, आपके राशिद खान ने 3 विकेट लिए थे। तो मतलब जो 6 विकेट गिरे थे दोस्तों वो स्पिनर्स ने लिए थे। तो आप मान सकते हो 100% स्पिनर्स ने विकेट लिए थे। तो यहाँ पर आपको स्पिनर्स ज़रूर रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों, पाक और इनका यहाँ पर फैंस बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान का 53% मैच विन करने का चांस है और एच के का मतलब आपके हांगकांग का 47 है। पर मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा एच के का जो मतलब हांगकांग की टीम है उसका मान सकते हो 35% चांस है और आपकी जो पाकिस्तान की टीम है उसका 65% चांस है, ठीक है। यहाँ पर टीम फॉर्म देख लीजिएगा दोस्तों, पाकिस्तान की टीम जो लास्ट 2 T20 मैच हार कर आ रही है, उससे पहले 3 मैच जीते थे। किससे हार कर आ रही ये भी देख लीजिएगा, लास्ट मैच दोस्तों इंडिया से हारी थी, एवरेज स्कोर बनाया था। पर वहाँ पे एक चीज़ आपको ज़रूर याद रखना होगा कि इंडिया और पाकिस्तान की टीम दोनों ही प्रेशर में खेल रही थी, उनकी ओर से दोनों ने ही बेस्ट खेला था, आप ये मान सकते हो, ठीक है। पर फिर भी उन्होंने इतना अच्छा नहीं खेला था, आपके रोहित शर्मा फेल हो गए थे, ठीक है, और ओपनर मतलब के एल राहुल फेल हो गए थे, मतलब ओपनर्स दोनों ही फेल हो गए थे। और यहाँ से भी दोस्तों बाबर आजम और इनके जो फ़खर जमान हैं, मतलब ऊपर के 3 बल्लेबाज हैं, उनमें से एक ही चला था, रिजवान चले थे, ठीक है। तो ओपनर मतलब दोनों के ही फेल हो गए थे, ठीक है। थर्ड नंबर के मतलब वो थे आपके फ़खर जमान, उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, 10 ही रन बनाए थे। आपके बाबर आजम ने भी 10 ही रन बनाए थे। तो आप ये मान सकते हो ओपनिंग बैट्समैन उनके फेल हो गए थे, इसलिए उन्होंने इतना स्कोर नहीं बनाया था। फिर भी दहानी ने लास्ट में 16 रन बना दिए थे, इसलिए इतना स्कोर बन गया था, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा हेड टू हेड इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि इन्होंने अभी तक कोई मैच खेले ही नहीं है। यहाँ पर एचके का देख लीजिएगा दोस्तों टीम फॉर्म, तो यहाँ पर आप देख पा रहोगे इन्होंने दोस्तों यहाँ पर आपको सिंगापुर को हराया है। यहाँ पर आप देख पा रहोगे ये क्वालिफायर के लिए था, ये छोटी टीम्स थी, नेशनल टीम्स नहीं थी। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा UAE को हराया था जब ये एशिया कप में क्वालिफाई हुए थे, पर इंडिया से हार गए थे। पर हाँ, एक बात इनकी दोस्तों अच्छी थी कि यहाँ पर इन्होंने विकेट्स नहीं गिराए थे ज़्यादा, भले वो चेज़ नहीं कर पाए थे, 40 रन से मैच हार गए थे, पर फिर भी यहाँ पर 5 ही विकेट गिरने दिए थे और 5 विकेट बच गए थे, तो आपको ये याद रखना होगा। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों, आगे चलता हूँ, मैच मतलब बारिश का कोई चांस नहीं है, आप ये याद रखिएगा। ओके दोस्तों, टीम कंपैरिजन बताऊं उससे पहले ज़रूर बोलूँगा, आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइएगा, जो मैं लिंक दूंगा वहाँ से जुड़ जाइएगा, या आप सर्च कर सकते हो फैंटेसी विनर्स ऑफिशियल, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि टीम कंपैरिजन 10 मैचेस के हिसाब से देख लीजिएगा दोस्तों, विन चांस है दोस्तों पाकिस्तान के 70% है, ये रिकॉर्ड्स के हिसाब से ही कोई फैन नहीं बोल रहा है, याद रखिएगा। और आपके जो हांगकांग का दोस्तों 50% चांस है, ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा। एवरेज स्कोर देख लीजिएगा दोस्तों, पाकिस्तान का 162 है और आपकी जो हांगकांग की टीम है वहाँ 138 है, तो 140 मान सकते हो, फिर भी 20 रन्स का है, 20 रन्स के ज़्यादा होता नहीं है, मतलब T20 में जो मैच होता है, अगर आप मतलब 4 छक्के मार देंगे तो 24 रन बन जाएंगे, तो 20 रन ईजिली बन जाएंगे 4 बॉल पर, ठीक है। तो अगर आप चेज़ कर रहे हो तो ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा 20 रन्स का। ओके, हाईएस्ट स्कोर देखिएगा पाकिस्तान का दोस्तों 208 रन है, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है 186, तो यहाँ पर भी आप ये मान सकते हो 20 रन का सिर्फ डिफरेंस है दोनों में। ओके, यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर क्या है, शारजा का दोस्तों जो स्कोर है
वो बहुत अच्छा स्कोर है। यहाँ पर अगर आप रिसेंट मतलब जो मैचेस हुए हैं वहाँ पर देखोगे तो स्कोर तो अच्छा बना है, जो बड़ी टीम है उसने बहुत अच्छा स्कोर किया है, पर छोटी टीम चेज़ नहीं कर पाई है और ज़्यादातर विकेट लॉस्ट करके मतलब आप ये मान सकते हो 20 ओवर में 140, 135, 130 पर ही आउट हो गई है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर आपको दोस्तों 151 दिखा रहा, मैं बोलूँगा इसे 160, और आप सेकेंड इनिंग में दोस्तों 126 दिखा रहा, आप 140 मान सकते हो इसको, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ याद रखना होगा, जो लास्ट मैच हुआ था आपकी जो बांग्लादेश थी उसने टॉस जीता था और बैट फर्स्ट किया था, वो सोच रहे थे कि हम स्कोर बना देंगे लगभग 160-170 तो फिर उसे चेज़ नहीं करने देंगे, पर उन्होंने स्कोर बहुत ही कम बनाया था, इसलिए फिर भी लड़ाई अच्छी हुई थी। अफगानिस्तान की टीम पहला जो मैच जीती थी एक तरफा जीती थी, उन्होंने वरुंधु असरंगा हो तीक्षणा हो सबको मारा था, पर सेकंड मैच में दोस्तों यहाँ पर उनकी टीम भी लड़खड़ा गई थी, पहले टुक टुक कर रही थी, उसके बाद नजीबुल्लाह ज़ादरन आए थे, उन्होंने ही एक तरफा मैच जिताया था, नहीं तो मैच हार गई थी आपके अफगानिस्तान की टीम, ठीक है, यह आप मान सकते हो। तो यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों पेस वर्सेस मतलब किसने ज़्यादा विकेट लिए हैं, तो दोनों का बस बराबर है 50-50% विकेट्स, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा स्पिनर्स ने दोस्तों लास्ट 10 मैचेस में एक विकेट ज़्यादा ही लिया, पर अगर आप ये देखोगे परसेंटेज तो 50 है दोनों का। रिसेंट देख लीजिएगा, ये एशिया कप का एक ही मैच हुआ है, ज़्यादातर जो मैचेस हुए हैं दोस्तों दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर ही हुए हैं, तो ये याद रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों वर्ल्ड कप का 2021 में हुआ था, यहाँ पर 41 मैच हुआ था पाकिस्तान और स्कॉटलैंड का। यहाँ पर देखिएगा पाकिस्तान की टीम ने यहाँ पर पहला बैटिंग कर, तो यही टीम थी, ठीक है, एक दो प्लेयर इधर उधर थे आपके, शाहिन शाह अफरीदी थे उसमें, यहाँ पर दहानी है, तो याद रखिएगा। यहाँ पर स्कॉटलैंड की टीम दोस्तों 20 ओवर में सिर्फ पॉसिबल 117 ही बना पाई थी, 6 विकेट दिए थे इन्होंने मतलब लॉस्ट कर दिए थे, और 72 रन से ये मैच हार गई थी। तो मतलब पाकिस्तान की टीम ने 100 आप मान सकते हो 190 बनाई थी, एक ही रन कम है। और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों एक और मैच हुआ था, 39th हुआ था ये वर्ल्ड कप का 2021 का इसी स्टेडियम पर, तो वहाँ पर क्या हुआ था 189 ही वहाँ बने थे, ठीक है, वहाँ पर भी मतलब आप 190 मान सकते हो। और सेकंड टीम दोस्तों जो मजबूत टीम थी आपकी कौन सी टीम, आपके देख लीजिएगा साउथ अफ्रीका ने 190 बनाए, आपकी इंग्लैंड की टीम ने दोस्तों यहाँ पर 180 बना दिए थे, तो 10 रन से मैच हार गई थी आप ये मान सकते हो। तो मतलब कोई अगर बड़ी टीम होती जैसे इंडिया होती तो वो चेज़ करने में लड़ाई करती, एंड में भले वो हार जाती, इंडिया अगर 190 बनता तो 180 बना पाती, 184 बनाती, 185 बनाती, 5-10 रन से हार जाती पर लड़ाई करती। अब यहाँ पर दोस्तों लड़ाई बहुत कम लग रहा है कि लड़ाई होगी, आप मान सकते हो 40-50 रन से ये मैच हार जाएगी आपकी हांगकॉन्ग की टीम, ऐसा रिकॉर्ड से दिखा रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। और दोस्तों मैं आपको कुछ प्लेयर्स का फॉर्म दिखाता हूँ, एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर आपको मुर्तजा को ज़रूर लेना होगा, क्यों लेना होगा दोस्तों, इसलिए लेना होगा क्योंकि वो 4 ओवर डालेंगे और लास्ट मैच में उन्होंने जो इंडिया के ख़िलाफ़ किया था इतनी मजबूत टीम के ख़िलाफ़ बहुत ही अच्छी बॉलिंग की थी, 3 ओवर में एक ही ओवर में 13 रन खा लिए थे, इसलिए 27 रन हो गए थे, नहीं तो उन्होंने बहुत कम रन दिए थे 3 ओवर में। और वो ओपनिंग पे आएंगे, विकेट से दोस्तों जो आपको पॉइंट्स दे सकते हैं आपको कुछ भी यहाँ पर, अगर आप बैटिंग की बात करोगे तो बैटिंग में दोस्तों आपको कुछ पॉइंट्स नहीं दे पाएंगे, ठीक है, चलिएगा दोस्तों यहाँ पर। और आपको बाबर हजायत को ज़रूर रखना है दोस्तों, इनका फॉर्म देख लीजिएगा 41-38-53 यहाँ पर इन्होंने रन बनाए हैं, पर ये दो टीम छोटी थी हाँ, पर इंडिया के ख़िलाफ़ भी अच्छी बैटिंग की थी, पावर प्ले में अच्छी की थी उसके बाद नहीं की थी, ठीक है। आपके पाकिस्तान का देख लीजिएगा, आपको बाबर आजम को तो ज़रूर रखना है, छोटी टीम के ख़िलाफ़ वो हमेशा ही चलते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा नदरलैंड के ख़िलाफ़ ये ODI मैच था, इसलिए 91-57-74 पर T20I में भी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ भी अच्छा किया था उन्होंने, ठीक है, पर वो बहुत पहले किया था, अभी मतलब आप मान सकते हो IPL के पहले किया था, ठीक है। इत्तेफ़िकार अहमद का देख लीजिएगा, यहाँ पर T20 में उन्होंने दोस्तों लास्ट मैच में 28 बनाए थे और यहाँ पर कैच पकड़ा था, इसलिए ड्रीम टीम में आ गए थे, इनको रख सकते हो आप, 4 नंबर पर बैटिंग करेंगे, वैसा ऑलराउंडर हैं पर इनसे अब मतलब ज़्यादा एज हो गई है और ज़्यादा मैचेस खेलते नहीं हैं, इसलिए ओवर नहीं डलाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इनको रख सकते हो दोस्तों, शादाब खान को ज़रूर रखिएगा आप, मतलब ये बैटिंग तो इनकी शायद मुझे नहीं लगता कि आ जाएगी, पर हाँ ये ज़रूर है अगर आ जाएगी तो थोड़े बहुत आपको रन्स दे देंगे, फील्डर बहुत अच्छे हैं, आपको एक या दो विकेट पक्का दे देंगे, तो इन्हें ज़रूर रखिएगा। लास्ट मैच में कुछ भी इन्होंने ना ही बैटिंग अच्छी की थी, ना ही मतलब फील्डिंग अच्छी की थी, ना ही बॉलिंग ठीक ठाक की थी, आप ये मान सकते हो, रन्स ज़्यादा नहीं दिए थे पर विकेट नहीं मिला, तो फिर वो बॉलिंग किसी काम की नहीं होती,
हर यहाँ पर विकेट टेकर यही चाहता है कि उसे विकेट मिले, ठीक है। हम दोस्तों रिजवान का देख लीजिएगा, 43 बनाए थे, बहुत ही मतलब फंसे खेल रहे थे, क्योंकि आपके बाबर आजम ही चले गए थे, फ़खर जमान चले गए थे, तो फिर उन पर ही सारी जिम्मेदारी थी। ओके दोस्तों, नसीम शाह को रख लीजिएगा, 2 विकेट 5 विकेट 2 विकेट, इनको तो 3 विकेट 3 विकेट 2 विकेट, ठीक है, 1 विकेट, तो यहाँ पर आप मान सकते हो दोस्तों 1 2 3, ओके, और यहाँ पर आप 6 मैचेस में 2 से कम विकेट तो लिए नहीं हैं, तो इसलिए आपको इन्हें ज़रूर रखना होगा। और कैप्टन वाइस कैप्टन आप चाहो तो बना सकते हो, ग्रैंड लीग में आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, मैंने किसे बनाया मैं सब कुछ बताऊँगा। ओके दोस्तों, अब यहाँ से दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ई खान को भी रख लीजिएगा, ठीक है, एहसान खान है जो आपके, क्योंकि ये स्पिनर हैं, आपको मैं बता दूँ, और ये लास्ट में डालेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ओके, राइट आर्म मीडियम और स्पिनर है, ज़्यादातर स्पिन कराते हैं। ओके तो चलिए दोस्तों, मैं अब आपको अपनी टीम दिखा देता हूँ, किसे रखना है किसे मैंने नहीं रखा। चलिए दोस्तों आगे वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, फर्स्ट जो टीम होने आ रही दोस्तों, यहाँ पर मैंने कैप्टन रिजवान को बनाया है, वाइस कैप्टन दोस्तों एम नमाज को, मोहम्मद नवाज को बनाया, ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी टीम होने वाली है। यहाँ पर दोस्तों बाबर को रखा है, फ़खर जमान को रखा है, अब इत्तिफ़ार अहमद को नहीं रखा है, क्योंकि उनके 4 नंबर पर बैटिंग आएगी, कितनी बॉल मिलेंगी, अगर बॉल मिलेंगी, और एक चीज़ याद रख लीजिए, अगर यहाँ पर पाकिस्तान की टीम दोस्तों पहला बैटिंग करे तो रख लीजिएगा, ठीक है, फिर आपको मुर्तजा को छोड़ना होगा। मुर्तजा दोस्तों अगर आपको जो पॉइंट्स दे सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको बॉलिंग से दे सकते हैं, बैटिंग से बहुत कम चांस होगा कि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपके हारिस शॉप और नसीम शाह दोस्तों जो ओपनिंग में मतलब बॉलिंग करेंगे तो आउट हो सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा, यहाँ पर दोस्तों जो बैट्समैन से रखे हैं, मैंने 3 रखे हैं, बाबर को रखा है, ठीक है, आपके बाबर आजम हैं, बाबर हजायत हैं, और फ़खर जमान है, ये 3 बैट्समैन हो गए। ऑलराउंडर से दोस्तों 3 रखे हैं, मोहम्मद नवाज़ को रखा है, शादाब खान को भी रखा है, फील्डर भी बहुत अच्छे हैं आपको यहाँ पर, और 2 विकेट दे सकते हैं, क्योंकि लास्ट जो मैच इसमें हुआ था इस स्टेडियम पर, तो वहाँ पर दोस्तों 6 ही विकेट, जो मतलब 7 विकेट गिरे थे, 1 रन आउट था, ठीक है, तो यहाँ पर 1 ही रन आउट था, और जो 6 विकेट गिरे थे वो स्पिनर्स ने लिए थे आपके, मुजीब रहमान ने लिए थे, राशिद खान ने 3 लिए थे, इसलिए आपको इन दोनों स्पिनर्स जो बेस्ट क्वालिटी स्पिनर है उनको ज़रूर रखना है, ठीक है। और मुर्तजा भी दोस्तों आपके स्पिनर हैं तो इनको भी रख सकते हो, क्योंकि मतलब बैटिंग से भले ही ना दें पर 1 विकेट और अगर 5-10 रन भी बना दी तो ड्रीम टीम में आने का चांस होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देख लीजिएगा, ई खान को रखा है और यहाँ पर नसीम शाह को ज़रूर रखना है आपको, ए शुक्ला को रखना है, आयुष शुक्ला, क्योंकि दोस्तों ओपनिंग में डालेंगे और डेथ में डालेंगे, डेथ में दोस्तों कैसा भी मतलब बॉलर हो उन्हें विकेट मिलने का चांस होता है, क्योंकि यहाँ पर आप हर बॉल पर घुमाओगे तो एक आध बॉल पर आप फंस सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आयुष शुक्ला को रखा है और हारिस शॉप को कोई भी नहीं छोड़ेगा, हम भी नहीं छोड़ेंगे, ये हमारी फर्स्ट टीम हो गई। सेकेंड टीम देख लीजिएगा, मोहम्मद रिजवान को पिछली टीम में भी रखा था, इसमें भी रखा है, ठीक है। अब कैप्टन दोस्तों यहाँ पर चेंज कर दिया है, ये तीनों मतलब प्लेयर बैट्समैन सेक्शन से जो लास्ट टीम में थे वही हैं, आपके दोस्तों जो ऑलराउंडर से भी थी लास्ट टीम में वही हैं, सैम है, बस कैप्टन यहाँ पर बाबर आजम को कर दिया है, वाइस कैप्टन दोस्तों एन शाह को किया है, ठीक है, नसीम शाह को किया है, और सारे के सारे प्लेयर दोस्तों वही हैं, सिर्फ कैप्टन वाइस कैप्टन बस चेंज कर दिया और कुछ नहीं किया है। ये टीम हमारी सेकेंड हो गई। थर्ड टीम देख लीजिएगा आप दोस्तों, थर्ड टीम में यहाँ पर मैंने नसीम शाह को कैप्टन कर दिया है, वाइस कैप्टन दोस्तों मोहम्मद रिजवान को कर दिया है, और जितने भी दोस्तों आपको प्लेयर दिख रहे हैं उसमें एक ही चेंज किया है मैंने यहाँ पर, अब मोहम्मद नवाज को हटा दिया है, आप चाहो तो शादाब खान को हटा सकते हो, ठीक है, या आप मुर्तजा को छोड़ सकते हो, पर हाँ यहाँ पर मुर्तजा का एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर दोस्तों यहाँ पर आपकी हांगकॉन्ग की टीम पहला बैटिंग करे तो मुर्तजा को मत रखिएगा, क्योंकि फिर इनका मतलब ये तेज खेलने आएंगे तो आउट हो सकते हैं, फिर उनको पता नहीं कितने ओवर डलाएंगे, तो ये आपको बॉलिंग से दे सकते हैं पॉइंट, बैटिंग से बहुत कम चांस लगता है इनका, ठीक है, क्योंकि ऊपर मतलब बहुत ही क्वालिटी बॉलिंग होगी और फास्ट बॉलिंग होगी तो वहाँ पर आउट होने का ज़्यादा चांस होगा। ओके, यहाँ पर अगर पाकिस्तान की टीम दोस्तों यहाँ पर पहला बैटिंग करे तो आपको इत्तिफ़ार अहमद को ज़रूर रखना है, ग्रैंड लीग में पक्का ट्राई कीजिएगा, बहुत कम सिलेक्शन होगा, मैंने लास्ट टाइम भी आपको दिया था हेड टू हेड टीम में भी, जो आपको टेलीग्राम पर दी थी मेरी फाइनल टीम, ठीक है। तो यहाँ पर कैप्टन दोस्तों नसीम शाह को बना रहा हूँ, वाइस कैप्टन मोहम्मद रिजवान को बना रहा हूँ,
ठीक है। तो ये हमारी टीम होने आ रही दोस्तों, तीनों टीम मैंने आपको दिखा दी हैं, और जो आपको फाइनल टीम मिलेगी जो मेरी खुद की होगी वो टेलीग्राम पर दूंगा, इसलिए टेलीग्राम पर यहाँ से जुड़ जाएगा। अब मिलता हूँ आप सभी से दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।